नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में साइंस से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में आते हैं हमारे अम्ल। क्या आते हैं? अम्ल। तो हमारे पेपरों में अम्लों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अम्ल का सूत्र क्या होता है, यह किससे प्राप्त किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ अम्लों के बारे में, जिनके रासायनिक सूत्र तथा उनकी उत्पत्ति के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल आता है। क्या आता है हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल आता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और यह हाइड्रोजन तथा सल्फेट की क्रिया के द्वारा बनता है। इससे बनता है हाइड्रोजन और सल्फेट की क्रिया। इन दोनों में क्रिया होती है तब जाके क्या बनता है? H2SO4 बनता है। और इसे हरा कशिश से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? हरा कशिश से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल क्या आता है हमारा? एसिटिक अम्ल आता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH होता है। इसको सिरका से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिरका से प्राप्त किया जाता है, यानी कि यह सिरका में उपस्थित होता है या पाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा होता है टार्टेरिक अम्ल। यह कैसा अम्ल है हमारा? टार्टेरिक अम्ल है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। C4H6O6 ये क्या है हमारा? रासायनिक सूत्र है। और यह अंगूर, इमली, कच्चा आम, यानी कि खट्टे पदार्थों में जैसे कि हमारी इमली होती है, कच्चा आम हो गए, अंगूर हो गए, क्या होता है इनमें? यह पाया जाता है। क्या? टार्टेरिक अम्ल इन्हीं चीजों में ही पाया जाता है। फिर आता है हमारा सिट्रिक अम्ल। क्या आता है? सिट्रिक अम्ल। इसका सूत्र होता है C6H8O7। C6H8O7 यह नींबू संतरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह नींबू संतरा में पाया जाता है। क्या? सिट्रिक अम्ल। अब आता है हमारा लैक्टिक अम्ल। क्या आता है हमारा? लैक्टिक अम्ल आता है। और यह C3H6O3, यानी कि यह ग्लूकोज का आधा होता है। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये हमारा किसका सूत्र है? ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो सेम इसी का यह आधा होता है। क्या है? आधा होता है। देख लीजिए C3H6O3 क्या है? ये हमारा आधा हो गया। किसका? ग्लूकोज का आधा हो गया। यह दूध और दहियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह दूध व दही में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूध व दही में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा अम्ल है बेंजोइक अम्ल। क्या है हमारा? बेंजोइक अम्ल है। और यह इसका रासायनिक सूत्र है C6H5COOH। क्या है? C6H5COOH। इसका क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। और यह हमारी घासों में, पत्तियों में तथा मूत्र में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है मूत्र में, पत्तियों में तथा घासों में यह पाया जाता है। अब आता है हमारा फार्मिक अम्ल। क्या आता है? फार्मिक अम्ल। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। और यह चींटी, मधुमक्खियों में और बिच्छुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बिच्छुओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यह अत्यधिक कष्टदायक होता है, यानी कि यह कैसा होता है? कष्टदायक होता है। चींटी काटती है तो हमको दर्द होता है, सूजन आती है। और मधुमक्खी भी काटती है तो क्या होता है? हमको दर्द होता है और सूजन आती है। ओके दोस्तों, अगला आता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल आता है। ओके दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। C2H2O4। और यह टमाटर पालकों में पाया जाता है। किसमें? टमाटर पालक वाली सब्जियों में यह पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र होता है C5H9 और N2O4।
O4 क्या हो गया, ये हमारा रासायनिक सूत्र हो गया। और ये है गेहूं में पाया जाने वाला क्या है, हमारा अम्ल है। क्या है? अम्ल है, जो हमारे गेहूं में पाया जाता है। अब आता है नाइट्रिक अम्ल। क्या आता है? नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3। इसको बाई नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई नाइट्रेट भी बोलते हैं। और यह मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है यानी कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में यह पाया जाता है। अब आता है हमारा मौलिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O5। ठीक है दोस्तों, यह है हमारे सेवों में पाया जाता है, यानी कि इसमें पाया जाता है सेवों में पाया जाता है, यानी कि एप्पल में। अब देखिए दोस्तों एस कार्बिक अम्ल, एस कार्बिक अम्ल, इसका सूत्र होता है C6H8O6। क्या होता है? C6H8O6। और ये हमारे आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवला में, जो कि हमारा क्या है, खट्टा पदार्थ है, यानी कि हमारा खट्टा फल है एक तरह से। और इसमें विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है आंवला में। किसमें? विटामिन सी पाई जाती है आंवला में। ओके दोस्तों, ये क्या हो गए, हमारे अम्लों के प्राकृतिक सूत्र हैं। क्या है? प्राकृतिक सूत्र तथा रासायनिक सूत्र है, जो हमारे किसमें, पेपरों में अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं नीचे संबंधित क्वेश्चन। और हमारे सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, एसिटिक अम्ल आता है, सिट्रिक अम्ल आता है, लैक्टिक अम्ल आता है, और ये फार्मिक अम्ल हो गया, ये अधिकतर पूछा जाता है। क्यों? ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है पेपरों में। और इसके बाद आता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये भी बार बार पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसे किसमें प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, और एस्कार्बिक अम्ल, यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह आंवला में पाया जाता है और इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये हमारे क्या हो गए, हमारे अम्लों से संबंधित प्रश्न हो गए, और इनसे क्या हो गए, उत्पत्ति तथा उनके रासायनिक सूत्र। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।